नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर देव में। तीसरी लहर की संभावना ने देश में एक बार खलबली मचा दी है। सबसे ज़्यादा असर मार्केट जगत पर पड़ा है किसान भाइयों। पिछली बार जो सोयाबीन के दाम बढ़े थे वो इसी के कारण बढ़े थे, क्योंकि विदेश से आयात नहीं हो रहा था। पूरा वीडियो में डिटेल बताएंगे और आने वाले टाइम में सोयाबीन के बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी भी वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। मार्केट में सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, उसी में सोयाबीन के दाम भी बढ़ेंगे। किसान भाइयों, कभी भी किसी भी टाइम ये घोषणा हो सकती है कि आज से लॉकडाउन लग गया या यहाँ से इतनी तारीख से लॉकडाउन लगेगा। धीरे धीरे मार्केट में और सभी जगह पे तकड़बंदी शुरू हो गई है और देखने को मिल रहा है कि मार्केट में बहुत ही बड़ा फर्क पड़ने वाला है इससे। पिछली बार क्या हुआ था कि हमारे देश में विदेश से सोयाबीन का आयात जो बंद हुआ था, उसी का कारण सोयाबीन के 10-12 हज़ार रुपये रेट मिले। इस बार भी यही प्रॉब्लम आने वाली है किसान भाइयों। विदेश से आयात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, क्योंकि थर्ड वेव के चलते, तीसरी लेयर के चलते इधर एक देश से दूसरे देश में सामान का आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। लोगों को आना जाना पर भी बहुत तकड़बंदी कर दी है। पिछली बार यही हुआ था कि सोयाबीन को रोक दिया था, आयात विदेश से बंद हो गया था। हम जो दूसरे देशों से सोयाबीन का आयात करते हैं, हमारे देश में उतनी सोयाबीन की खपत है लेकिन उत्पादन उतना नहीं है, इसलिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ता है। दूसरे देशों पर आश्रित रहने की कंडीशन में अब हमारे देश में जो आयात सोयाबीन का होने वाला था वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस कंडीशन में हमारे देश में सोयाबीन में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, क्योंकि थर्ड वेव का कोई पता नहीं। अभी व्यापारियों में बहुत ही ज़्यादा कुतूहल में चल रही है इसी को लेके कि सोयाबीन मैं ज़्यादा खरीदूँ या ये ज़्यादा खरीदें या जो ये ज़्यादा खरीदें, क्योंकि थर्ड लॉकडाउन की प्रक्रिया कभी भी बन सकती है। किसी भी कारण कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। हो सकता है कि आज तक मंडी खुली हो और कल से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो ये कभी भी कंडीशन बन सकती है। इसके चलते देश में ये सिस्टम बन गया है कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी पिछले 3 दिनों में सोयाबीन में 200 से 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो आगे भी लगातार देखने को मिलेगी। और विदेश से आयात ना होने की कंडीशन में हमारे देश में सोयाबीन के बहुत ही बढ़िया दाम मिलने वाले हैं। किसान भाई, आने वाले टाइम में सोयाबीन पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि विदेश से आयात नहीं होगा तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगा के सोयाबीन हमारे देश का खरीदा जाएगा। विदेश से आयात अगर शुरू हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे देश में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आ सकती है, और अगर विदेश से आयात नहीं होता है तो सोयाबीन में जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन विदेश से आयात होने की अभी कोई कंडीशन नहीं है। अभी कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते कि विदेश से आयात कब तक होगा। अगर ये तीसरी लहर टल भी जाती है, उस दौरान भी अभी दूसरे देशों से सामान लाना ले जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, क्योंकि दूसरे देशों में किसान भाइयों दूसरे देशों में ये बीमारी लगभग आ चुकी है हमारे देश में। इसीलिए दूसरे देशों से आयात निर्यात पूरी तरीके से बंद कर दिया है, इसलिए सोयाबीन की कीमतों में और अन्य फसलों की कीमतों में जोरदार तेज़ी देखने को मिलेगी। सोयाबीन में इसलिए ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन हमारे देश में कम होता है। किसान भाई, हम दूसरे देशों पर सोयाबीन पे के मामले में आश्रित रहते हैं हमेशा, इस वजह से सोयाबीन का उत्पादन में हम पीछे हैं। बाकी अन्य फसलों का उत्पादन तो हम पर्याप्त मात्रा में कर लेते हैं, लेकिन सोयाबीन का उत्पादन उतना नहीं करते। इस कारण सोयाबीन में जोरदार तेज़ी देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।